इसने पहने भी नहीं है, उसके छोटे हो गए हैं। ये क्लोजेट ऑर्गेनाइजर इसके, ये वो वाले ड्रेसेस हैं जो वो अब यूज नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हाउ आर यू ऑल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बेटे का वार्डरोब किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अपनी अलमारी खोल के दिखाऊं तो बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है। मैं रोज सोचती हूँ चीजें सेट करके रखूंगी लेकिन टाइम नहीं मिलता। असल में जगह बहुत थोड़ी सी है, तो फिर अपनी भी चीजें यही रखी हुई हैं, आरिस की भी यही रखी हुई हैं। तो आज मैं आरिस की चीजों को अलग करके रखूंगी और अपने सारे ड्रेसेस वगैरह वो अलग से रखूंगी। जब आरिस की कोई चीज गुम जाती है और मैं ढूंढू तो फिर इसी तरह से अलमारी का हाल हो जाता है। ये आरिस की सारी चीजें और सारे ड्रेसेस वगैरह मैंने निकाल ली है। इनमें से तो कुछ आरिस ने पहने भी नहीं है, उसके छोटे हो गए हैं। इसीलिए जब भी बच्चों की शॉपिंग करें तो ड्रेस जो है वो बड़े साइज के लेने चाहिए। मैंने ये गलती की थी कि मैंने जितने मंथ का ये था तो उतने मंथ के लिए थे, लेकिन माशाल्लाह से ये हेल्दी हो गया। अब पहले ये बहुत वीक था जब ये पैदा हुआ था। और इसमें भी आरिस के काफी सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि डेली यूज में आते हैं, तो ये भी मैं सारे निकाल के एक ही जगह पे रख दूंगी ताकि इजीली मुझे जब भी कोई ड्रेस उसका चाहिए हो तो वहीं से निकाल लूं। अच्छा जी, ये क्लोजेट ऑर्गेनाइजर है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से, तो ये काफी अच्छा रहता है। इसके अंदर स्पेस भी काफी सारी है, काफी सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसको अलमारी के अंदर हैंग करके भी रख सकते हैं और फोल्डेबल भी है, मतलब आप इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लें कहीं भी। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत सस्ता मिला है, 300-400 का। हमारी अलमारी में कम जगह है तो मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लगा था कि मैं इसी तरह का ये मंगवा लूँ तो उसके अंदर सारी चीजें इसकी सेट करके रख दूँ। तो मैंने आरिस के सारे ड्रेसेस इसमें रख दी हैं। आरिस के ये वो वाले ड्रेसेस हैं जो वो अब यूज नहीं करता, और ये इसके डेली यूज के ड्रेसेस हैं, ये भी इसके डेली यूज के हैं। और इसके अंदर मैंने आरिस की सॉक्स रखी हैं, ये इसकी रैपिंग शीट्स हैं। ये वाले ड्रेसेस मैं इसके हैंग कर दूंगी और ये भी अपनी अलमारी में रख दूंगी क्योंकि ये भी अभी इसके यूज में नहीं है। ये देखें कितने अच्छे से सारी चीजें सेट हो गई हैं। आप लोग भी अपने बच्चों का वार्डरोब इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करना। अपनी बहन को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।